तो क्या गाइज आप भी एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125 BS6 में कन्फ्यूज हो, क्योंकि दोनों को मैंने रिव्यू किया था अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि भाई मैं 6G खरीदूँ या कि फिर एक्टिवा की 125 खरीदूँ। एक्टिवा 125 का जो बेस वेरिएंट है यानी कि ड्रम वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस एक्टिवा 6G के स्टैंडर्ड वेरिएंट से 4,000 रुपये ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए एक्टिवा 125 बेस्ट होगी या 6G बेस्ट होगी। पूरी वीडियो देखना एंड में, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लिए एक्टिवा 125 बेस्ट है या कि फिर एक्टिवा का 6G वाला वेरिएंट बेस्ट है। पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स, डिज़ाइन, देखने में हमें क्या क्या डिफरेंसेस मिलता है, डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, फिर बात करेंगे रियल वर्ल्ड में क्या क्या आपको डिफरेंसेस फील होने वाले हैं। तो डिज़ाइन वाइज देखो, डिज़ाइन में थोड़े बहुत कॉस्मेटिकली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या आपको 6G अच्छी लग रही है कि 125 अच्छी लग रही है। बट अगर आप दोनों ही स्कूटर को आइडेंटिकल आप देखते हो, तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि एक्टिवा 125 थोड़ी सी बड़ी लगती है। मतलब कुछ ना कुछ दोनों ही स्कूटर के डायमेंशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे कवर करूँ, तो एक्टिवा 125 का व्हील बेस है 1260 mm का, सेम एक्टिवा 6G में 1260 mm का व्हील बेस मिलता है। बट लेंथ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक्टिवा 125 की लेंथ है 1850 mm, जबकि एक्टिवा 6G की लेंथ है 1833 mm। तो थोड़ा सा ये 125 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको लेंथ कम मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 125 का है 169 mm का, 6G का है 171 mm का। हाइट भी देख लेते हैं, तो हाइट आपको एक्टिवा 125 में मिलेगी 1170 mm की, एक्टिवा 6G में हाइट मिलेगी 1156 mm की। तो एक्टिवा 125 की थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है। इसी के अलावा विड्थ की बात करते हैं, तो चौड़ाई भी आपको एक्टिवा 125 में 707 mm की मिलेगी, 6G में आपको 697 mm की मिलेगी। तो यहाँ पे एक्टिवा 125 की चौड़ाई भी ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है। तो देखने में थोड़ा बहुत आपको डायमेंशन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि 125 आपको बड़ी लगेगी। डिज़ाइन वाइज थोड़े बहुत चेंजेस हैं, पीछे से देखने में थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं। बाकी जो LED हेडलाइट का दोनों ही बाइक में ऑप्शन है, मेटल बॉडी दोनों ही स्कूटर की है, तो यहाँ पे फिट एंड फिनिश में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर फिट एंड फिनिश है, मेटल बॉडी ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, मेटल स्पार्ट यूज है। क्वालिटी वाइज और फिट एंड फिनिश वाइज दोनों ही स्कूटर आइडेंटिकल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। वेट भी डिफरेंस है कि एक्टिवा 125 में आपको 111 kg का वेट मिलता है, जबकि 6G में आपको 107 kg का वेट मिलता है। तो यहाँ पे एक्टिवा 125 6G के कंपैरिजन में 4 kg हैवी है। व्हील आप देखो, फ्रंट में आपको दोनों ही स्कूटर में 12 इंचेस के व्हील मिलते हैं, पीछे आपको 10 इंचेस के व्हील मिलते हैं। टायर देखो 90x90 का आपको एक्टिवा 6G में मिलते हैं, 90x100 के रियर टायर आपको एक्टिवा 125 में मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, इंजन में तो डिफरेंस है ही। उससे पहले यहाँ पे अगर वेरिएंट को चेकआउट करें, तो एक्टिवा 6G में आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक मिलता है स्टैंडर्ड, दूसरा मिलता है डिलक्स। स्टैंडर्ड में आपको नॉर्मल हेलोजन वाली हेडलाइट मिलती है, जबकि डिलक्स में आपको LED हेडलाइट मिलती है। यही डिफरेंस है दोनों ही वेरिएंट में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट एक्टिवा 125 में आपको तीन वेरिएंट मिलता है, एक मिलता है स्टैंडर्ड जो कि स्टील व्हील के साथ है, दूसरा मिलता है अलॉय वाला वेरिएंट विथ ड्रम ब्रेक्स, तीसरा वेरिएंट है अलॉय वेरिएंट विथ डिस्क ब्रेक। तीन वेरिएंट मिलते हैं, तीनों वेरिएंट में डिस्क के अलावा बहुत सारे फीचर्स भी इंप्रूव हुए हैं। जैसे अगर आप एक्टिवा 125 का बेस वेरिएंट यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंट पे जाते हो, तो हेलोजन हेडलाइट मिलती है और स्टील व्हील मिलते हैं, और कोई भी फीचर्स नहीं मिलते, जैसे इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एनालॉग मिलता है, सेम वही एक्टिवा 6G वाला। लेकिन अगर यहीं पे आप एक अपग्रेड करते हो, एक्टिवा 125 का सेकेंड वेरिएंट लेते हो एलॉय वाला, जिसमें आपको LED हेडलाइट भी मिलती है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में थोड़ा डिजिटल पार्ट ऐड हो जाता है, और अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट यानी कि डिस्क वाले वेरिएंट पे जाते हो, वहाँ पे आपको डिस्क तो मिलता ही है, अलॉय भी मिलता है, LED हेडलाइट भी मिलती है, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जो डिजिटल पार्ट है वो तो रहता ही है। कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे आइडलिंग स्टॉप सिस्टम मिलता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वार्निंग भी मिलती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक्टिवा 125 फीचर्स लोडेड है, एक्टिवा 125 में वेरिएंट्स ज़्यादा हैं। कम फीचर वाली चाहिए तो आप स्टैंडर्ड खरीद सकते हो, लोडेड चाहिए तो आप टॉप एंड वाला ले सकते हो। प्राइसिंग में भी डिफरेंस एक है कि एक्टिवा 6G का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 65,719,
और एक्टिवा 125 का जो ड्रम वेरिएंट है उसकी प्राइस है 70,107, लगभग 4,500 रुपये आपको बेस 6G के बेस वेरिएंट में एक्टिवा 125 के बेस वेरिएंट खरीदने के लिए ज़्यादा देने पड़ेंगे। बाकी तीनों ही वेरिएंट्स की प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक्टिवा 125 की, और दोनों ही वेरिएंट जो 6G के हैं उनकी भी प्राइस आप देख सकते हो। अभी मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। डायमेंशन में आपने देख लिया एक्टिवा 125 थोड़ी सी बड़ी है, फीचर्स में एक्टिवा 125 थोड़ी सी बेहतर है। अभी इंजन को देखते हैं, इंजन में मेजर डिफरेंस है। एक्टिवा 125 में आपको 124 cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर वाला सीवीटी इंजन मिलता है जो कि मैक्स पावर देता है 8.29 PS की 6500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क देता है 10.3 Nm का 5000 RPM पे। यहीं पे एक्टिवा 6G में आपको 109.5 cc का इंजन मिलता है जो कि मैक्स पावर देता है 7.79 PS की एट द रेट 8000 RPM, जबकि मैक्स टॉर्क देता है 8.79 Nm की एट द रेट 5250 RPM। तो यहाँ पे देखो एक्टिवा 125 की पावर ज़्यादा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए इन दोनों ही स्कूटर में तो आप 125 को पिक कर सकते हो। 125 में लगभग मैं बोलूँगा 0.5 PS की पावर ज़्यादा है और साथ ही साथ में 0.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी ज़्यादा है। तो टॉर्क ज़्यादा है मतलब 125 थोड़ा एक्टिवा 6G के कंपैरिजन में अच्छा पुल हो पाएगी, मतलब 125 का पिकअप 6G के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप दो लोग राइड करने के लिए स्कूटर ले रहे हो या कि फिर आपका वेट थोड़ा हैवी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्टिवा 125 प्रेफर करनी चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आपको पिकअप अच्छा मिल पाएगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है ना तो गाड़ी इजिली पुल हो पाएगी, 6G का थोड़ा सा आपको टॉर्क कम लगेगा अगर आप हैवी वेट रहते हो तो। यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि एक्टिवा 125 की सीट भी थोड़ी सी बड़ी है 6G के कंपैरिजन में, तो अगर आप मोस्टली दो लोग राइड करते हो ना तो यहाँ पे सीट का एडवांटेज भी 125 के पास है कि सीट में स्पेस ज़्यादा रहेगा, 6G में आपको कम स्पेस मिलेगा, कम स्पेस भी है और अंडर पावर भी रहेगी 125 के जगह पे और टॉर्क भी कम रहने वाला है। तो ये है नॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन बेस्ड जो भी डिफरेंसेस। माइलेज की भी बात करते हैं तो माइलेज कैसा है कि ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा थोड़ा ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 6G आपको 60 तक का माइलेज दे सकती है, 125 आपको 55 या 50 तक का माइलेज दे देगी क्योंकि दोनों में अभी FI सिस्टम है और BS6 हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा माइलेज निकाल देंगी पुराने वाले वेरिएंट्स के हिसाब से, पुराने वाले वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। फ्यूल टैंक सेम मिलता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है, 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो टैंक रेंज या टैंक कैपेसिटी सेम है, टैंक रेंज थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे राइड करते टाइम का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, जो हैंडलिंग है ऑलमोस्ट दोनों ही स्कूटर की सिमिलर है, सस्पेंशन सिमिलर है, दोनों में आपको स्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, तो आप जब राइड करोगे थोड़ा सा अगर खराब रोड में भी जाओगे तो सिमिलर फीडबैक मिलेगा। पिकअप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक्टिवा 125 के पास एडवांटेज है पिकअप का, टॉर्क का, टॉप एंड का भी एडवांटेज है 125 के साथ। 125 के पास एक और एडवांटेज है, इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं और तीनों ही वेरिएंट में 3,000 रुपए का डिफरेंस है। जो टॉप वेरिएंट है उसकी एक्सशोरूम प्राइस आती है 76,000 जो कि फुली लोडेड है, आइडलिंग स्टॉप सिस्टम है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील है, डिस्क मिलता है। तो ऐसे में ना अगर आपको कोई एक्टिवा चाहिए जिसमें फुली लोडेड सारे फीचर्स हो तो आप एक्टिवा 125 ही खरीदोगे क्योंकि 6G में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड, यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। देखो मेरे हिसाब से अगर आप सिंगल राइड करते हो, नॉर्मल आपको सिटी में एक स्कूटर चाहिए जिससे आप अपना डेली का इधर उधर का काम कर सकते हो, कम पैसे में आ जाए तो और अच्छी बात है, तो आप 6G खरीदो, अच्छा वेरिएंट ले सकते हो, स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, हेलोजन हेडलाइट सिटी के लिए ठीक है, आप चाहो तो डिलक्स भी दे सकते हो, थोड़ा बहुत ही पैसे देने पड़ेंगे 2-4 हज़ार रुपये। लेकिन आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म करे, फीचर सारे आपको कन्वीनियंट वाले मिले, स्टॉप सिस्टम हो, चाहे डिस्क हो, चाहे ब्रेक हो, चाहे अलॉय हो, वो सब मिले और स्पेस भी थोड़ा अच्छा हो, पिकअप भी अच्छा हो, तो आप एक्टिवा 125 ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपका बजट भी अलाउ करता है इन दोनों ही स्कूटर में कोई भी पिक कर सकते हो आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 125 ही पिक करो, ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल होगी फीचर्स के टर्म्स में या राइड के टर्म्स में। जब आप राइड करोगे तो जो अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा ना, जो पंच मिलेगा, वो आपको एक बिल्कुल हैप्पी बाइट देने वाला है। तो ये है मेरा इन दोनों ही स्कूटर में कंपैरिजन। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, दोनों ही स्कूटर एक नंबर हैं, एक्टिवा की हैं यानी कि होंडा की हैं, रिफाइंड इंजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, रिफाइनमेंट आपको दोनों ही स्कूटर में मिलती है, सिमिलर रिफाइनमेंट मिलती है और जो ब्रेक हैं वो भी अच्छे तरीके से बाइट देते हैं, बट एक्टिवा 125 में डिस्क है तो ऑब्वियस बात है एडवांटेज जाने वाला है। स्पेस का मैंने बता दिया, टैंक माइलेज भी आपको मैंने बता दिया, सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। बट फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो ना इन दोनों ही स्कूटर के बारे में, कमेंट बॉक्स में पूछो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और आप यहाँ पे कौन से स्कूटर पिक करने वाले हो इन दोनों ही स्कूटर में, पूछो कमेंट बॉक्स में,
में अगर मैं कुछ मिस कर दिया हूँ इन दोनों को कंपेयर करते टाइम, वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर मिल जाएगा। सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो अभी सभी लोगों को खरीदना होगा कुछ ना कुछ, बाइक वगैरह अगर खरीदना हो तो बेस्ट टाइम है, अभी आप खरीद सकते हो। वीडियो को फैला दो दोस्तों के साथ, उनको बता दो कि ये दोनों ही स्कूटर में डिफरेंस है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।